हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। तो आज मैं जाने वाला हूँ इमामबाड़ा। तो पहले आप शियालदा से नोईहाटी जाने वाली कोई भी ट्रेन पकड़ लीजिए, उसके बाद नोईहाटी से ट्रेन बदल के आप बैंडेल जाने वाली कोई भी ट्रेन पकड़ लीजिए और वहाँ से आप हुगली घाट पर आइए। तो ये तो हो गया शियालदा की बात। अब अगर आप हावड़ा से आना चाहते हो तो हावड़ा से बैंडेल जाने वाली कोई भी ट्रेन पकड़ के आप बहुत आसानी से इमामबाड़ा आ सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ इमामबाड़ा। तो मुझे हिस्टोरिकल प्लेस बहुत पसंद है। आपको भी अगर मेरी तरह हिस्टोरिकल प्लेस पसंद है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो ये तो हो गया इमामबाड़ा, आप आओगे कैसे? अभी जान लेते हैं इमामबाड़ा के कुछ हिस्ट्री। तो दौर था 1841 का, जब पहली बार दानवीर हाजी मोहम्मद मनसिन ने इमामबाड़ा का नींव रखा। उनके निधन के बाद इमामबाड़ा बहुत बुरे दौर से गुजरा, इसीलिए सैयद करामत अली ने इमामबाड़ा का काम अपने हाथ पे लिया और 1861 में इमामबाड़ा बनके तैयार हुआ। ये जो मेरे सामने दो मंजिल की इमारत आप देख रहे हो, ये है मदरसा। अगर आपको मदरसा के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मदरसा गरीब इस्लामिक बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करता है। तो इस मीनार के अंदर एक घड़ी है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इस घड़ी का नाम है बिग बैन। 1892 में सैयद करामत अली ने 11,721 रुपए देके लंदन से इस घड़ी को मंगवाया था। ये घड़ी ऑपरेट होती है 20 किलो के एक चाबी से और हर हफ्ते दो आदमी जाता है इस चाबी को घुमाने। इस घड़ी में है दो बेल, एक बेल बजता है हर 15 मिनट में और एक बेल बजता है हर एक घंटे में। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे दो मीनारे हैं, एक है लड़कियों के लिए और एक है लड़कों के लिए। तो मैं जिस मीनार पे खड़ा हूँ उस मीनार से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो ये तो हो गया बिग बैन की बात, अभी मैं ले चलता हूं सन क्लॉक की ओर। अभी मैं बात करता हूं सन क्लॉक की। तो ये पहले पीतल का था, किसी ने इसे चुरा लिया और अभी ये सीमेंट का है। तो आप देख सकते हो सन की पोजीशन से ये टाइम बताता है। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ इमामबाड़ा के मेन मीनार के सामने और मेरे पीछे ये है एंट्रेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।